Bhakti Vedant Srila Narayana Goswami iti namine. आज गुरुजी की आविर्भाव तिथि है, जो कि उन्होंने ही अपने जीवन शैली में लिखा है। जिस समय वे श्रील परम गुरु महाराज भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में आए, पहले वे राम भक्त थे, राम कथा सुनने में बड़े उत्सुक थे और पुलिस डिपार्टमेंट में रहे। एक समय कुछ साधु लोग भक्ति कमल मधुसूदन महाराज मायापुर से वे लोग प्रचार में गए, सार सजोल दुमका उस तरह, जबकि उधार प्रचार में गए। उस समय इन लोगों ने बंगला में कीर्तन किया और बंगला में प्रवचन, तो बंगला में जो कीर्तन किया एमन दुर्मते संसार भीतर पड़िया आछिन भावे, तब निज जवान कौन महाजने पठाइया दिले तुम्हें। इस कीर्तन को गाया तो इन्होंने पूछा कि इसका थोड़ा हिंदी में समझाए, तो वे लोग आधा बंगला आधा हिंदी में समझाए। इस कीर्तन को सुन करके उनका मन बदल गया, क्या तव निज जवान कौन महाजनी पठाई या दिले तुम, तुम्हारे कोई निज जवान और किसी महाजन को तुमने भेज दिया और उन्होंने मुझे उपदेश दिया सुनाया। उस समय कीर्तन में यह था कि अमन दुर्मति संसार भीतर पड़िया अछुनो, मैं एक दुर्बुद्धि वाला कि संसार में मैं पड़ा रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं और कोई साधु पुरुष आकर के मुझे कान में पुकारने लगे सुनाने लगे, ए भाई सुनो, नवद्वीप नदिया में श्री चैतन्य महाप्रभु जी आए नित्यानंद प्रभु के साथ और हरिनाम मिलाते हुए सब जगह उन्होंने प्रेम दान किया, उसका कुछ अंश तो नहीं। यह सुन करके उनका मन बदल गया, बदल जाने से वे सीधा चले गए अपने घर में, जो कि अपनी ड्यूटी में से ही निकल गए। उन्होंने न कुछ बताया, न कोई एप्लीकेशन दिया, कोई छुट्टी का अवकाश लिया, कुछ भी नहीं, बिना बोले ही निकल करके चले गए। 21 दिन 3 सप्ताह तक वे अपने घर में रहे। रहने के पश्चात जब फिर से अपने थाने में आए कि ऑफिस भी ड्यूटी ज्वाइन करना था, उन्होंने सोचा कि 21 दिन तक मैं चला गया तो मैंने कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं कहा, मेरी ड्यूटी समाप्त हो गई, नौकरी गई। परंतु भी आकर के जब अपने बंधु बांधवों से मित्रों से पूछने लगे, वे बोले आप तो रोज दिन आए हैं, आपकी हाजिरी लगी हुई है, आपने ड्यूटी लगाया है पूरा के पूरा, कोई छुट्टी तो नहीं है, कैसे हुए? उन्होंने कहा नहीं मैं था ही नहीं, ये कैसे संभव? बोले पहले देखो, रजिस्टर खोल करके देखा कि नहीं पूरा के पूरा ड्यूटी भरा हुआ है, कोई अवकाश का दिन नहीं रहा, छुट्टी नहीं रही। बोले कौन आए, किसने मेरी ड्यूटी भरी, किसने हाजिरी लगाई और किसने साइन मारा? देख करके गुरुजी बड़े भावुक हो गए,
उसके पश्चात बोले कि अब मुझे नहीं रहना है। साथ ही साथ उन्होंने रिजाइन लेटर दे दिया, बोले कि मुझे नौकरी नहीं करना है, मुझे और किसी कार्य में जाना पड़ रहा है। रिजाइन दे दी, दे करके वहां से सीधा राधिका विहार एक्सप्रेस उस गाड़ी में बैठ करके सीधा नवद्वीप आने लगे। जब रात्रि का वो गाड़ी 2:30-3 बजे करीब आती है, परंतु रात को वो परम गुरु महाराज श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी ने हमारे श्रील बामन गोस्वामी महाराज, उनका नाम था सेवक सज्जन सेवक गुरु जी के, गुरु जी को उनको बुलाया, जगाया, बोले कि ए उठो तो नारायण तिवारी आ रहा है, उनको लेके आना है, पहले स्टेशन में जाओ बत्ती जला के और उनको लेके आओ। तो उस समय में लाइट ले करके गए स्टेशन में जा करके, जब गाड़ी आई लोग उतरने लगे, बोले नारायण तिवारी नारायण तिवारी नारायण तिवारी कौन है आ जाए, ऐसे चारों ओर घूमने लगे। उस समय गुरुजी ने कहा आप किसको ढूंढ रहे हैं, बोले मैं नारायण तिवारी को ढूंढ रहा हूँ, वो आज इसी गाड़ी में आ रहे हैं, गुरुजी ने भेजा है मुझे लेने के लिए। बोले मैं ही तो नारायण तिवारी हूँ और मैं ही आ रहा हूँ मंदिर के लिए। तो इतने में उनको लेके मंदिर में आए और तब से श्रील परम गुरु महाराज श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों का आश्रय किया और तब से मंदिर में रहने लगे। इस तरह से गुरु जी ने अपने जीवन को परम गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पण किया। इस रूप में समर्पण करते हुए भगवान के भजन में भक्ति में लगे रहे, ब्रह्मचारी जीवन रहा। उसके पश्चात फिर इन लोगों ने संन्यास ग्रहण किया, सन्यासी बन करके भारी भरकम सेवा करते रहे। उस समय जितनी परिक्रमा होती थी, परिक्रमा के लिए गाड़ियों को बुक करना और लोगों को लेके चलना, भेजना, परिक्रमा में यात्रा में चलना, ये सब करते थे। नवद्वीप धाम की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा।